Assalamu alaikum Nazreen, welcome to another edition of the Warriors channel's continuing coverage of the Cricket World Cup 2023. और आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे साथ चैनल में दो बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं जो कि आप सब जानते हैं, वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के लिए काफ़ी नुमाया कारकर्दगी सर अंजाम देते रहे हैं साला साल। इनका मैं तारुफ कराता हूँ आपसे और फिर इनसे कुछ क्रिकेट के हवाले से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने हैं डॉक्टर सलमान गिल, जो कि इमरजेंसी मेडिसिन के सीनियर प्रैक्टिशनर हैं और क्लिनिशियन भी हैं। ये हमारे साथ क्रिकेट में भी खेलते हैं और बड़ा धुएंदार बैटिंग करते हैं। सलाम अलैकुम सलमान। जी भाजन, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। और दूसरे हमारे दोस्त जो हैं वो डॉक्टर साजिद हुसैन है, जो कि रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट है। हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, ये क्लब में भी खेलते हैं अपने, और बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, और क्रिकेट से गहरी दिलचस्पी है। तो वेलकम साजिद। थैंक यू वेरी मच अदील भाई, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में बुलाने का। तो आज आपसे जो बातचीत करते हैं, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और इसका जो आज मैच था वो बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प मैच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला न्यूजीलैंड धर्मशाला में। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले दो मैचेस हार गया था लेकिन तीन मैचेस जीत चुका है और इस मैच में आ रहा था छठा मैच खेलते हुए। न्यूजीलैंड आखिरी मैच इंडिया से हारा था लेकिन उससे कबल चार मैचेस वो जीत चुका था, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और बहुत अच्छा स्कोर, एक तरफ से तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्कोर होगा, तकरीबन 400 भी बन सकता है, 388 उन्होंने किया। फिर न्यूजीलैंड ने अपना जवाब दिया। तो सबसे पहले सलमान आपसे पूछूंगा, कैसा लगा आपको आज का मैच ये? जी भाईजान, मेरे ख्याल में आई थिंक वन ऑफ द क्लोजेस्ट और बड़ा शानदार हाई स्कोरिंग मैच था, और ऊपर नीचे दो दिन लगातार हमें बड़े अच्छे, एज अ क्रिकेट फैन आपको बड़े अच्छे मैच देखने को मिले। कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का भी बिल्कुल आखिर तक मैच गया, एंड तो आज का मैच भी बड़ा शानदार था। तो ओवरऑल तो भाईजान, इट वॉज एज अ क्रिकेट लवर, इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच, नो डाउट बिल्कुल अबाउट दैट। बिल्कुल। साजिद आपको कैसा लगा आज का मैच? मैच तो निहायत दिलचस्प मैच था। अब जो मॉडर्न क्रिकेट जिस तरह शेप अप कर रही है, दिस इज गोइंग टू बी बैटिंग पैराडाइज फॉर एवरीवन। पहले बॉलर होते थे 90s में 80s में, वो डोमिनेट करते थे टीम इसको, क्रिकेट को। अब जो अपकमिंग जो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो उसमें ग्रास रूट लेवल पे खेल रहे हैं, उनके अब जो है हीरोज वो बैट्समैन है ज्यादातर। तो इस मैच में आपने देखा कि हाईएस्ट स्कोरिंग मैच हुआ है पूरे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का, और जिस तरह शुरू में जे वार्नर और हेड खेल रहे थे शुरू में, तो ऐसे लगता है एक मौके पे कि 500 स्कोर ये बनाएंगे, बिल्कुल लेकिन इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छा पुल अप किया बाद में, बड़ी अच्छी स्पिन बॉलिंग दरमियान में आपको देखने को मिली। फिर दोबारा एक बंदा चार्ज किया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने, और जिस तरह की मेंटेलिटी के साथ इन्होंने चेस डाउन किया है ना, हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड। हाँ, बहुत जबरदस्त। न्यूजीलैंड ने बिल्कुल हार नहीं मारी, एंड तक बिल्कुल हार नहीं मारी, और एक पॉइंट पर तो ऐसा लग रहा था 9 रन जब रह गए तीन बॉलों के शायद वो जीत भी जाएं। और जिमी नीशम ने बड़ा अच्छा खेला, रचिन रविंद्रा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, डैल मिचेल ने अच्छी बैटिंग की। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेविस हेड, आपने कहा उसकी वापसी हुई, कितना इसको फर्क पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को इसका, इनके आने से, क्योंकि वार्नर तो ऑलरेडी फॉर्म पकड़ चुके हैं सलमान। भाजन बिल्कुल, जिस तरह हाँ एक मशहूर बात थी कि पाकिस्तानी टीम हमेशा फेमस है, बल्कि इन फेमस है किसी भी आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन या टीम को फॉर्म में लाने के लिए। तो वार्नर आई थिंक पहले दो मैचों में ही वाज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, और सेम वाज विद हिज टीम एज वेल। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, लेकिन दुआएं दें वो पाकिस्तान को कि वो वार्नर का सोया हुआ जो जिन था वो जाग गया। तो उसके बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक, ही इज डेफिनेटली अंडर ट्रेमेंडस फॉर्म। और वो एक ओपनिंग में जो थोड़ा सा मिसिंग लिंक तो नहीं मैं कहूंगा, हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मिचेल मार्श ने उसको अच्छा फील किया था। लेकिन आई थिंक ट्रेविस हेड जो भी जितनी भी हाइप थी, एंड ही वाज टोटली वर्थ इट, उसने आके प्रूव किया कि ही वाज डेफिनेटली मिस्ड इन दिस टीम। और मेरे ख्याल में आई थिंक 59 बॉल्स पे सेंचुरी थी, वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट इनिंग्स। सो मेरे ख्याल में उनकी जो कॉम्बिनेशन था टॉप ऊपर का वो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा जो उनका अपर मिडल ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा आई थिंक दे हैव गॉट अ बिट ऑफ अ कंसर्न। स्टीव स्मिथ और लैपुशेन दोनों थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है अभी भी, तो वो एक ऐसा आई थिंक उनका वीक लिंक है। अगर ऊपर से जल्दी से इनका ओपनर कोई आउट हो जाए तो
आई थिंक ऑस्ट्रेलिया कैन बी ब्रॉट अंडर प्रेशर। ठीक, तो साजिद ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो हमने बात कर ली, यानी कि काफी उनका तो एक रिसर्जेंस हुआ है, 2 मैचेस हार के 4 जीत गए, अच्छे बड़े अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में है, आगे के मैचेस कुछ उनके आसान भी। न्यूजीलैंड की नुमाया कारकर्दगी आपको क्या लगी, न्यूजीलैंड की इनिंग्स के लिहाज से आज? न्यूजीलैंड अगर आप देखें, न्यूजीलैंड के एनालाइज भी करें ना पिछले जो मैच, तो उनमें भी देखें आप, एक तो जो उनकी क्रिकेट में सबसे अच्छी चीज फ्यूचर में आने वाली है वो रचिन रविंद्रा है। वो एक तो आपको लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल देते हैं दरमियान में, आपके 5 से 10 ओवर आप उसको डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप उससे ओवर करवा सकते हैं। लेकिन उसकी बैटिंग आप देखें, उसकी टेक्निक उसकी देखें, उसके ड्राइव्स देखें, उसकी आई साइट देखें, और गेम सेंस बहुत अच्छी है उस लड़के में। हालांकि अभी बहुत यंग है, तो ही इज गोइंग टू बी इन द टॉप 5 बैट्समैन इन द कमिंग नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, जिस तरह वो अच्छा खेल रहा है। और एक चीज आप, मैं गौर से देख रहा था, मिच सैटनर जो उनका है स्पिनर है, सैटनर, उसकी आप बॉल देखें, उसने जो एक्शन उसका चेंज हुआ है पिछले वर्ल्ड कप की निस्बत, मैंने देखा है एक उसमें, वो दरमियान में अगर आप उसकी स्पिनिंग उसकी बॉलिंग देखें, तो उसकी बॉल बहुत ही ड्रिफ्ट करती है, स्विंग करती है, और वो अकॉर्डिंग टू द पिच बॉल करता है। उसने बहुत ज्यादा रोका है दरमियान में, लेकिन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जो आज सबसे अच्छी चीज हुई है इसके लिए, न्यूजीलैंड के लिए, वो ग्लेन फिलिप्स के जो 10 ओवर थे, हाँ, उसने जिनको आके तीन जो विकेटें ब्रेक हैं। लगाई है ना दरमियान में, जी वो बिल्कुल, इस तरह के आपको जो है ना यूजफुल जो आपके ऑलराउंडर हैं, वो आजकल हमारी टीम में मिसिंग है। जिसको जी। जिस जो किसी दौर में शुएब मलिक होता था, किसी दौर में हफीज होता था, या उससे पहले अब्दुल रजाक और अजहर महमूद देख लें, ये इस तरह के वैल्यूएबल जो मैच विनर ऑलराउंडर्स है ना, वो हमारे पास मिसिंग है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम एक कंप्लीट टीम है। लेकिन मैं आपके पहले क्वेश्चन पे कहता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का कॉम्बिनेशन जो है ना, अब बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। ट्रेविस ने आके बैलेंस कर दिया ऊपर, उनके पास स्पिनर भी है, उनके पास फास्ट बॉलर भी है, उनके पास ऑलराउंडर भी हैं। दो देख लें बेहतरीन ऑलराउंडर, जॉश हेजलवुड को देख लें, या आप इसको देख लें, मिच मार्श को देख लें, स्टॉइनिस को देख लें, मैक्सवेल उन भी है। मेरे हाँ ख्याल में दे आर गोइंग टू बी अ टफ अपोनेंट इन द कमिंग डेज। ठीक, हो गई बात। कुछ सवाल मेरे होते हैं, पसंदीदा सवाल मैं कह लूँ, आप लोगों से मैं पूछता हूँ। सलमान से पूछूंगा, क्योंकि सलमान ने मुझे 4 जवाब देने हैं आज। तो सबसे पहले सलमान, आपका पिक, मैं सेमीफाइनलिस्ट की पिक आप लोगों से इसलिए नहीं पूछ रहा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें काफ़ी ऑब्वियस हो गई, 27-28 मैचेस हो चुके हैं वर्ल्ड कप के, इसलिए डायरेक्टली प्लेयर्स पर आते हैं स्पेसिफिक। तो सलमान, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कप, इवन दो आपको काफ़ी हेड स्टार्ट मिल गया है, काफ़ी प्लेयर्स आप 5 में देख रहे हैं जो कि अच्छे हैं, और साजिद ने भी एक बंदे का जिक्र कर लिया जो टॉप 5 में है, लेकिन आपके ख्याल से बेस्ट बैट्समैन, सबसे पहले आपकी पिक। नॉन अदर देन विराट कोहली, दैट्स उसने ठीक है। अभी आई थिंक जितने मैच खेलने हैं उसके अंदर प्रूव किया कि जी जी बेशक वो आप बैटिंग पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, ही इज अ मैन ऑफ विद नर्व्स ऑफ स्टील, और उसने बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसने अपनी टीम को खास तौर पे पहला मैच आप ऑस्ट्रेलिया का देखने, उसने बड़ा शानदार, उसने सिंगल जी जी हैंडली अपनी टीम 35 को किया था, निकाला। बिल्कुल तो एंड ओवरऑल आई थिंक आप सारे जानते हैं कि ही इज अ वंडरफुल क्या है, वंडरफुल बैटर। बिल्कुल। तो आगे आने वाले दिनों मैचेस के अंदर भी आई थिंक ही विल परफॉर्म वेरी वेल। सो पिक बैट्समैन की भाईजान मेरी तरफ से होगी विराट कोहली, बेस्ट बॉलर की नन अदर देन जसप्रीत बुमराह, विद सही, ऑल द इन डिफरेंसेस विद द टीम एंड ऑल द अदर स्टफ। लेकिन मैंने अभी तक ये भी देखा कि ही इज स्विंगिंग द बॉल बोथ वेज, और ऊपर से विकेट लेता है, अच्छा स्टार्ट देता है अपनी टीम को, और इकोनॉमी बड़ी शानदार है। जी सही, अभी आप देखें कि टीमें 400-400 स्कोर रन कर रही है, लेकिन ही ऑलवेज परफॉर्म वेरी वेल। उसकी आप इकोनॉमी देखें, वो हमेशा रन रोकता है, और जी आखिर में तो अनप्लेबल, जिस तरीके बिल्कुल, से वो अपने यॉर्कर्स करता है, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। और वो भी टॉप विकेट टेकर में ऑलरेडी आ चुका है। तो बेस्ट विकेट कीपर कौन है आपका, आपके लिहाज से? भाईजान मेरी पिक होगी क्वांटन डिकॉक की, ही इज बीन अनलकी फॉर लास्ट कपल ऑफ मैचेस, लेकिन अगर आप उसके स्टार्ट देखें, विच इज ऑल्सो मेकिंग साउथ अफ्रीका इवन मोर डेंजरस टीम, के ऊपर से बड़ा एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे देता है, और बड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, हर किस्म की उसके पास रेंज ऑफ शॉट्स है, और मेरा पिक डेफिनेटली डिकॉक होगा। ठीक है। और आखिरी जो सवाल है आपके लिए, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? ये थोड़ा सा मुझे और टाइम दे, कि थोड़े से 5-10 मैचेस चलने दे, इट्स अ वेरी ये आपको अभी डिफिकल्ट। देना है, मैं सिर्फ आपको
एक मिनट दे सकता हूँ, क्योंकि मैं साजिद से पूछ सकता हूँ कि उसके क्या है पिक्स। ठीक है, चलें मैं आखिरी मैं सोच के चले थोड़ा सा मुझे टाइम दे, बाकी आप साजिद, बैटर आपका आपकी पिक बेस्ट विकेट कीपर की फॉर दिस टूर्नामेंट। मेरे ख्याल में केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है इस वक्त। क्विंटन डिकॉक की सेंचुरीज हैं, लेकिन आप केएल राहुल की देखें, 2 इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली है उसने। पहला सही। एक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में उसने बहुत अच्छी गेम खेली है, जी और एक दो और भी उसकी हैं इनमें, और आने वाले दिनों में देखें, कल भी मैच है इंग्लैंड और इंडिया का, देखें उसमें क्या बनता है। जी सही। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेरे ख्याल में तो आई थिंक विराट कोहली को मिलेगा। आई थिंक जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहा है, जिस तरह की जानदार क्रिकेट वो खेल रहा है, ही डिजर्व्स इट। जी एंड आई टोटली एग्री विद सलमान कि ही इज अ मैन ऑफ द मोमेंट। और जब भी इंडिया जहां पे भी मैच उनका फंसता है, चाहे वो चेस कर ओ रहे हो हाँ, चाहे वो वो आजकल पहले, सारे वो बंदा परफॉर्म बिल्कुल करता है, एंड उसकी स्पेशलिटी ही यही है कि वो प्रेशर में परफॉर्म करता है। मैन ऑफ क्राइसिस भी है। सलमान, आपसे आखिरी सवाल और लास्ट, आपकी पिक क्या होगी बेस्ट पिक? भाई जान चले, इतने इंतजार के बाद आई थिंक आई विल गो विद हेनरिक क्लासेन। अच्छा उसने कुछ बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, और जैसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जाएगा डेफिनेटली नॉकआउट स्टेजेस के अंदर, और इफ ही स्टेज पुट एंड ही कैन कम अप, आई थिंक ही कैन कम अप इन कपल ऑफ वेरी एक्सप्लोसिव इनिंग्स। वैसे तो आप मेरे चूज कर सकते हैं, अगर आपने बैट्समैन में कोहली का है तो आप यूज कर सकते हैं प्लेयर में, ये कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन क्लासन अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है क्लासन। मेरा जाती ख्याल है कि क्लासन ही हैज डन रियली वेल, और बड़ा अच्छा खेल अच्छा रहा सही है। ही कैन प्ले कपल ऑफ रियली गुड इनिंग्स इन सेमीज और अगर फाइनल्स में गया, तो आई थिंक ही कैन बी अ गेम चेंजर, ही कैन चलो बी अ मैन ठीक ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पिक्स भी आ गई हैं, आपसे बातचीत भी होगी, आज बहुत बेहतरीन मैच हुआ, आपके कमेंट्स भी आ गए, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने का हमारे साथ स्टूडियो में आने का। लेकिन थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। बहुत मेहरबानी, बहुत थैंक शुक्रिया, यू। बहुत शुक्रिया दिल भाई, थैंक यू। थैंक यू।